बीजेपी ने आज यूपी के झांसी में परिवर्तन यात्रा निकाली। इसके जरिए बीजेपी नेताओं ने जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, तो वहीं विरोधियों पर जमकर हमला बोला। लेकिन परिवर्तन यात्रा के सभा स्थल पर ही बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और अलग बुंदेलखंड राज्य देने की मांग की। बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए यूपी की सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी की यात्रा अपने दूसरे चरण में आज झांसी पहुंची। परिवर्तन रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस मौके पर अमित शाह और राजनाथ सिंह ने प्रदेश की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। ये सपा बसपा दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते मित्रों, नहीं कर सकते। इतने वर्षों तक हुकूमत में रहने के बावजूद आज हमारा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में क्यों गिना जाता है, यह मैं सपा बसपा के नेताओं से इस सवाल का जवाब चाहता हूं। इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी मौजूद रहीं, लेकिन कार्यक्रम के दौरान ही उन्हें बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के विरोध का सामना करना पड़ा। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने उमा भारती वादा निभाओ, बुंदेलखंड राज्य बनाओ के नारे लगाकर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का विरोध किया। 2.5 साल हो गए बुंदेलखंड राज्य की बात नहीं की जा रही है, और हम तो ये कह रहे हैं बुंदेलखंड को कुछ नहीं दिया गया। अभी मोदी जी आए थे, बुंदेलखंड को कुछ नहीं दे गए, जबकि उसी दिन बनारस को करोड़ों करोड़ रुपए दे करके चले आए। हमारा ये नारा है, हम मांग रहे हैं कि पहले पहला वादा निभाओ, फिर बाद में चुनाव में आओ, फिर बाद में वोट मांगने आओ। आपने पहले वादा अगर नहीं निभाया है तो चुनाव में आने का, वोट मांगने का अधिकार आप खो चुके हैं। मिशन 2017 की जंग में फतेह पाने के लिए बीजेपी यूपी में परिवर्तन यात्रा कर रही है। पहले चरण की शुरुआत शनिवार को सहारनपुर से हुई। परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण 8 नवंबर को रॉबर्ट्सगंज से तो चौथा चरण 9 नवंबर को बलिया से शुरू होगा। परिवर्तन यात्रा 50 दिनों में यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों का सफर तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।